नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ देवल लोधी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर इस समय बहुत विवाद चल रहा है। मतलब विवाद इतना बढ़ गया है कि व्हाट्सएप खुद परेशान हो गया है अपनी ही पॉलिसी से। तो यहाँ पर उसने कुछ बदलाव किए हैं और बदलाव के साथ साथ कुछ क्या बातें क्लियर की हैं, पॉलिसी लाने के बाद उसने क्या क्लियर किया है और क्या क्या बातें हुई हैं, ये सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं पॉलिसी में क्या था कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया था और यहाँ पे आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मतलब स्वीकृति देनी पड़ेगी उसको कि भाई आपका जो व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग है, जो कुछ भी है, डेटा है, वो सब कुछ आप फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। अगर आप ये परमिशन नहीं देते तो 8 फरवरी 2021 के बाद आप अपने व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड तो नहीं करते लेकिन आप व्हाट्सएप के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर पॉपअप निकल के आएगा जो कि उसकी पॉलिसी का रहेगा, आपको उसको एग्री करना पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप व्हाट्सएप से बैक आ जाएंगे। हालांकि अगर आप अभी पॉपअप पे नोट नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, आप नोट नाउ क्लिक करके व्हाट्सएप के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेडलाइन है उसके बाद नोट नाउ का ऑप्शन हट जाएगा। तो फाइनली व्हाट्सएप ने विवाद को देखते हुए, क्योंकि जो व्हाट्सएप के कस्टमर थे, व्हाट्सएप के जो उपयोगकर्ता थे, वो व्हाट्सएप को छोड़ के सिग्नल या फिर टेलीग्राम पे स्विच होने लगे थे, ये बात व्हाट्सएप भी अच्छी तरह जान चुका था, इसलिए उसने अपनी पॉलिसी में थोड़ा टाइम दे दिया है। उस पॉलिसी को बढ़ा दिया है कितने, 15 मई तक, यानी कि 3 महीने बढ़ा दिया है, 15 मई 2021 तक का इसका टाइम है। तो व्हाट्सएप ने यहाँ पर कहा कि कस्टमरों को समझने में आसानी होगी ये क्या है और क्या नहीं है। एंड इसके साथ साथ व्हाट्सएप ने क्या बोला है, चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जब व्हाट्सएप पे विवाद इतना बढ़ गया कि जो यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच होने लगे, तो व्हाट्सएप को यहाँ पे सफाई देनी पड़ी और दिन प्रतिदिन सफाई दे रहा है व्हाट्सएप। तो गाइस, यहाँ पे व्हाट्सएप कह रहा है, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेज और हियर योर कॉल्स एंड नीदर कैन फेसबुक। ना तो व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज देख सकता है और ना आपके कॉल को सुन सकता है और ना ही फेसबुक। एंड इसके अलावा है कि आपके द्वारा शेयर की हुई लोकेशन को ना तो व्हाट्सएप देख सकता है और ना ही फेसबुक। इसके बाद बोला है कि व्हाट्सएप आपके जो कॉन्टैक्ट है उनको फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता है। तो भाई ये दी है यहाँ पे व्हाट्सएप ने सफाई। इसके अलावा व्हाट्सएप ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट करके सफाई दी है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ने लिखा है कि उन सभी लोगों का धन्यवाद जो बाहर पहुँच गए हैं, यानी कि इन लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म से स्विच कर लिया है, उन लोगों का धन्यवाद। एंड इसके आगे लिखते हैं कि हम अभी भी व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करके किसी भी भ्रम का सामना करने के लिए काम कर रहे हैं। 8 फरवरी को किसी का भी खाता निलंबित या हटा नहीं होगा और हम अपनी व्यावसायिक योजनाओं को मई के बाद वापस ले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपके लिए पहले ही बताया कि इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 8 फरवरी 2021, अब इसको बढ़ा के 15 मई 2021 कर दिया है और यहाँ पे बोला है कि किसी भी अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हालांकि सस्पेंड नहीं किया जाएगा लेकिन आप उनको एग्री करेंगे तभी तो आप व्हाट्सएप के अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज आप एक बार बैक करके फिर से होम पेज पे जाएंगे तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, या तो एग्री कीजिए या फिर बैक करके आप वापस आ जाइए। आपके अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा ना ही सस्पेंड किया जाएगा। आप एग्री नहीं करते तब तक आप व्हाट्सएप के अंदर नहीं जा पाएंगे और अगर बैक करते हैं तो बैक करके होम पेज पे जाएंगे। एंड इसके आगे लिखा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि उपयोगकर्ताओं के पास शर्तों की समीक्षा करने और समझने के लिए पर्याप्त समय है। आश्वस्त रहे कि हमने कभी भी इसके आधार पर किसी भी खाते को हटाने की योजना नहीं बनाई और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं व्हाट्सएप किस तरीके से कितनी प्यारी प्यारी सफाइयाँ दे रहा है। हालांकि इस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया था लेकिन विरोध के बाद इस पॉलिसी को टाला है व्हाट्सएप ने 15 मई तक। तो भाई अब देखना है 15 मई तक क्या होता है क्या नहीं होता है, पॉलिसी में कोई बदलाव करता है व्हाट्सएप या फिर नई पॉलिसी लेके आता है। अगर भाई यही रहता है तो फिर आप क्या करते हैं गाइस, आप व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम या फिर सिग्नल पे स्विच करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपके लिए छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए अपने फ्रेंडों के साथ एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।